शुरू हो रहा है 45 दिन का और आज उसका पहला दिन है और आज की पहली कहानी है हमारी आज कहाँ चले। क्या नाम है कहानी का? आज कहाँ चले हम। देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हिंदू को कहानियाँ और रोमांच बहुत पसंद था, वो हर दिन एक नए मजेदार सफर पर घूमना चाहती थी। एक दिन उसने क्या किया, एक नए मजेदार सफर पर वो चल पड़ी। चलिए चलते हैं हम बिंदु के साथ कि बिंदु कहाँ कहाँ गई। बिंदु बोली, मम्मी पापा मैं चली सैर पर, बाय बाय। मैं चली सैर पर, बाय बाय। हम लोग शाम को मिलते हैं, कब मिलते हैं? शाम को। शाम तक मैं चली घूमने। बिंदु एक पक्षी की तरह उड़ती हुई चली जा रही है, एक पक्षी की तरह उड़ती हुई चली जा रही है। कहाँ? सैर करने, है ना, सैर करने। देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। वो सबको दिखा रही थी, देखो मैं और ऊंचे आ गई, मैं और ऊंचे आ गई। बगीचों को पीछे छोड़ते हुए, जंगलों को चीरते हुए, जंगलों को चीरते हुए, बगीचों को पीछे छोड़ते हुए बिंदु उड़ती जाती है। बिंदु अलविदा सोन पंखियों, अलविदा पेड़ चाचा, मैं तो चली घूमने। अलविदा सोन पंखियों, अलविदा पेड़ चाचा, मैं तो चली घूमने। अलविदा बिंदु, आज तुम कहाँ जा रही हो? चाचा ने पूछा, पेड़ चाचा ने, कि अलविदा बिंदु आज तुम कहाँ जा रही हो एक नए मनोरंजक सफर पर? क्या जवाब दिया बिंदु ने? जब वो जाती है घूमने तो उसे क्या मिल जाता है? खजाना। खजाने में क्या होता है? दौलत, पैसे, जेवर, बहुत सारा सामान खजाने में उसे मिल जाता है। देखो मैं हूँ एक जलपरी, वो घूमती रहती है और कहती, देखो मैं क्या हूँ, जलपरी। मैं कौन हूँ? जलपरी। मैं हूँ एक जलपरी। अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, बाय बाय। अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, शाम हो गई है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बिंदु कितना ही घूम ले, कहीं भी घूम ले, लेकिन शाम को उसे क्या लगता है? सबसे प्यारा हम सबको क्या लगता है? अपना घर ही तो लगता है। तो बिंदु भी शाम को अपने घर आ गई और अपने मम्मी पापा से बोली, पापा पापा बताओ आज मैंने क्या क्या देखा होगा। हाँ बच्चों बताओ मैंने आज क्या क्या देखा? खजाना देखा और क्या देखा?